पाजी अभी हम लोग जानते हैं सुनील ग्रोवर और आपके बारे में, मैं चाहता आप दोनों वापस बहुत जल्दी मिले यार, क्या जोड़ी है यार। जरूर बोलूंगा, जय और वीरू। तो मैंने फिरंगी में देखा कि आप बूट पॉलिश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी सेवा आपने किसकी की है लाइफ में? ऐसी सेवा मैंने अपने पिताजी की है, उनके शूज़ करता था पॉलिश जब वो ड्यूटी पे जाने से पहले कभी कभी काम दे देते थे, पर हाँ वो सब बच्चे करते मेरे ख्याल से। भाईजान यू टेल मी, जब यू फाउंड दिस गर्ल इन योर लाइफ, कैसे ये आप बचपन से जानते हैं उनको कि कॉलेज के ज़माने से जानते, क्या है? मैं यार उनके बारे में क्या कहूँ अभी, वो मैं कॉलेज में पढ़ता था खुद और लड़कियों के कॉलेज में मैं थिएटर वगैरह करवाता था, तो तब से मैं जानता हूँ। पर हमारा वैसा वाला अफेयर नहीं होता जो होता ना कि डेट पे जा रहे हैं घूम फिर रहे हैं, क्योंकि मैं मुंबई आ गया उसके बाद, तो मेरी मम्मी वगैरह और मेरी फैमिली वो लोग इन टच रहते थे, मैं तो खैर मुंबई में ही 8-10 साल काम में बिजी रहा, तो या बस यही स्टोरी है हमारी। एब्सोल्युटली, अगर एक चीज़ मैं बोलूँ, एक बहुत जल्द एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं उनसे कि अभी क्योंकि आपके लाइफ में मोहतरमा है, तो आप एक्ट्रेसेस से सब फ्लर्ट करना छोड़ देंगे कि वो चलता रहेगा? अभी दिल नहीं करता यार, अभी मैं मुझे लगता है मैं थोड़ा सयाना हो गया हूँ, अभी मैच्योर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है फ्लर्ट करने का। क्या नहीं फ़ायदा है यार, अच्छा है, कर लेते हैं कभी कभी दिल करता है तो, ऐसा कुछ हार्डकोर नहीं है। नहीं पर मैं यही चाहता हूँ कि आप फ्लर्ट करना छोड़ दें भाईजान, हम लोग का भी पत्ता कट जाता है, आप फ्लर्ट करते हैं, सब फ्लर्ट करते हैं, हमें कोई पत्ता नहीं देता। नहीं आप अपने आप स्टूडियो में जब करते हैं आर्टिस्ट आते हैं तो उनके साथ करते रहा करो, अपना इधर दुनिया में इतनी लड़के हैं। नहीं पर अभी क्या है, इसके बाद जब आप रेस्ट करोगे राइट, या फिर फुल ऑन आप वापस आ जाओगे विद योर ओन शो, व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? हाँ अभी फिल्म रिलीज का वेट कर रहे हैं हम लोग, फिल्म रिलीज करके उसके बाद एक आध महीना रेस्ट करके और उसके बाद हम लोग शो लेकर आएंगे नया। वो एक स्टार जिसके सामने आपकी बड़ी फटती है, वो कौन से स्टार है? बच्चन साहब पहली बार आए थे तो मैं डरा था कि यार बच्चन साहब आए मैं कैसे बात करूंगा, पर उन्होंने सामने से मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि मैं सही हो गया फिर। नहीं जो जब आपका हेल्थ का इश्यू हो रहा था और ये स्टोरीज आ रहे थे कि अजय शाहरुख खान सब आपसे खफा थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था ना? नहीं यार ऐसे लिख देते हैं लोग, खफा वो क्यों होंगे यार, इतने बड़े स्टार हैं वो लोग, समझते हैं सब लोग, अगर आप नहीं कोई आदमी ठीक है किसका दिल करता है जानबूझ के अपना काम बंद करने का, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लिख देते हैं नाराज है तो ये ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा होता है कि जब आप कहीं पे भी जाते हो लोग बोलते हैं सर एक जोक सुनाओ, एक पंचलाइन मारो? हाँ बोलते हैं लोग, तो मस्ती मजाक कर लेते हैं लोगों के साथ, खुश हो जाते हैं। हाँ पर मैं सोचता हूँ यार हमें तो बोल देते लोग जोक सुनाओ, वैसे कोई पुलिस वाला हो अगर कोई पॉपुलर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, गोली चला के दिखाओ, चोर पकड़ के दिखाओ श्रेयाम, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ प्यार है लोगों का, बोलते हैं लोग। आप अपने सारे जो मेंबर्स हैं जिनके साथ आप काम करते थे, कपिल शर्मा शो हो, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हो, उनको मिस करते हैं बहुत? यार ऐसी बातें पता नहीं मुझे लोग क्यों पूछते हैं, मैं ऑफकोर्स सबसे मुलाकात होती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग मिस करते हैं माहौल को, ऐसी बात नहीं। पर ऐसा कभी सपना था आपका बड़े स्क्रीन पे आने के लिए, एक्टर बनने का, कि ये सब होता रहा? नहीं ये सब फ्लो फ्लो में हो गया, मैंने मेरा एक ही सपना था लाफ्टर चैलेंज में आने का, तो लाफ्टर चैलेंज में जब आया वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोमेंट थी एक्चुअली, तो बस फिर क्यों फ्लो के हिसाब से चलते रहो आप, भगवान रास्ते बनाता रहता है। जब आपकी मम्मी आपको बड़े पर्दे पर देखती है उनका रिएक्शन क्या था, वो बिलीव कर पाती है कि नहीं? मम्मी ने मेरी फिल्म मेरे ख्याल 14-15 बार देख ली थी, कभी कोई फ्रेंड ले जाती थी उनको, कभी कोई फ्रेंड ले जाती थी, अभी मम्मी अपने आप को बड़े पर्दे पर देखेगी फिर मैं देखूंगा उनका क्या रिएक्शन आता है। पाजी अभी हम लोग जानते हैं सुनील ग्रोवर आपके बारे में, अभी क्या हुआ कि अभी आप रीच आउट कर रहे हैं सुनील को, बोल रहे आओ भाई एक झप्पी मारो, प्यार करते हैं, बिकॉज दैट्स ब्यूटीफुल व्हाट यू सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ ऑफकोर्स जैसे भाई जैसा यार, उसमें वो नहीं है, होती रहती हैं बातें, तो पर हाँ वो भी अभी मेरे ख्याल से फॉरेन कहीं गए हुए हैं शोज वोज करने, तो मैं भी अपनी फिल्म में बिजी था, मुलाकात करेंगे भी जल्दी कभी। नहीं पर मैं चाहूँगा जब आप मिलोगे तो आप बोल दीजिए मेरे से एक लाइन उनसे कि मैं चाहता आप दोनों वापस बहुत जल्दी मिले यार, क्या जोड़ी है यार। जरूर बोलूंगा, जय और वीरू। अरे क्या बात है क्या बात है भाईजान। तो ये बताइए इशिता दत्त है ना आपकी फिल्म में? इशिता दत्ता, आप, मैं कुंवारा हूँ पाजी, इस वक्त को आ रहा हूँ, घर जाके शादीशुदा हूँ, तो उनसे मुलाकात होने के क्या चांसेस हैं उनको, माने कुछ सेट वेट हो सकता है कि नहीं ये रेडियो जॉकी? यार मैं, मेरा काम है टीवी पे काम करना, एक्टर मैं, ये मतलब अफेयर थोड़ी ना लोगों के चलवाता हूँ किसे, मैं चलो आओ तुम्हारा कनेक्शन से भिड़वा दूँ, पर ऐसे मत करो यार, शादीशुदा आदमी तुम। हाँ, हाँ. मिला तो दो, माने बोलो कि इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, मिला देते हैं अभी। हाँ चलो मिला देते हैं, और जब भी कोई प्यारी लड़की आपसे मिलेंगी उसको एक लाइन जरूर बोलेगा, आई वॉन्ट्स टू मेक द लव टू यू। ये तुझे हो क्या गया सिद्धार्थ, मुझे लगता है पता नहीं कुछ तू ऐसी गर्म चीज तो नहीं खा के आ गया, तो केसर वगैरह ज्यादा तो नहीं खाने लगा दूध में डाल के, वॉन्ट्स टू मेक लव टू यू कितनी बार बोल दिया आज? नहीं आप बोलिए ना, ताकि लोग आपको ये नहीं बोलेंगे सर कॉमेडी में अच्छे लगते, ये सब होना चाहिए सर। नहीं होना चाहिए, अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा है. आई लव यू सर, बट आई डोंट वॉन्ट्स टू मेक द लव टू यू. ओके, थैंक यू. आई जस्ट वॉन्ट्स टू बी द ब्रदर टू यू. थैंक यू ब्रदर. लव यू कपिल पाजी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. 48 आवर्स इन्होंने सोया नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आप इसके बाद सुकून से सोए. और अगर आपको सुकून है इसके बाद, अभी अभी इवेंट शूट करेंगे, सुबह की फिर फ्लाइट है, तो 48 में ऐड करते जाओ बस. बट ठीक है यार, दिस इज लाइफ. भगवान रखे ऐसे बिजी मत करता हूँ मैं. फ्री तो वैसे ही नहीं बैठ सकता. फ्री हो जाऊँ तो फिर तो बाद में वैसे ही पागल हो जाता है. मेरे जैसा आदमी जिसको काम करने की आदत है. अच्छा, पर ये बताइए वो कौन सी चीज आपके बारे में जो आप कहते हैं मुझे बदलना चाहिए, वो क्या है? मुझे नहीं यार, अच्छा हूँ मैं जैसा भी हूँ. अच्छा, बहुत बढ़िया. इवन आई लाइक यू द वे यू आर. या थैंक यू. द ओनली थिंग्स आई डोंट लाइक व्हेन यू फ्लर्ट विद एक्ट्रेसेस, आई डोंट लाइक दैट. दैट यू आर जेलस. आई एम वेरी जेलस. बट ऑन दैट नोट, इफ आई वाज अ वुमन मैं आपसे शादी कर लेता, बड़े क्यूट है. अरे यार सिद्धार्थ, आज पता नहीं तुझे कुछ तो हुआ है. आज ना ये फ्लर्ट मूड में है, मुझे लगता है टाइम पे घर चला जा. गर्मी हो रही है. गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है. थैंक यू सो मच कपिल पाजी. और इन्होंने वादा दिया है कि ये अभी कपड़े उतार के ये जैकेट सब मुझे देंगे ताकि मैं अपने शो में यूज करूं. मैंने किसी की उतरवा के पहनी हुई है, उसको क्या जवाब दूंगा मैं. लव यू भाई. बाय बाय बाय. थैंक यू.